हाई दियर गायज वेलकम टू माई ब्रैंड न्यू ब्लॉग दिस इज़ ना दिया असलैक होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो टूडे आई एम गोइंग समवेयर सो दिस इज़ एन अजर डे सो टुडे वी आर प्लानिंग टू गो शारजा डेजर्ट पार्क सो आई थॉट इट वॉज नियर बट इट वॉज नॉट नीयर इट वॉज वैन वी टाइप इन गूगल मैप सो इट शोज वन आवर थर्टी मिनट्स एंड वी टुक अराउंड टू आवर्स लग गए हम लोग को मतलब वहाँ जाने में एक्सपेक्टेड so, कि इतना टाइम लग जाएगा मुझे तो लगा बस वन आवर वन आवर में हम लोग मैक्ममम पहुँच जाएंगे येस सो इट व इट टूक अराउंड ऑलमोस्ट टू आवर्स टू गेट देर बट उससे पहले जो टाइम हम लोग का गुजर रहा था गाड़ी में तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी कि क्या हो रहा है रास्ता ही समझ नहीं आ रहा है क्योंकि डेजर्ट के रास्ते यूजअली बिल्कुल मतलब सन्नाट बिल्कुल मतलब वहाँ इस, इस तरह के रास्ते होते हैं एक तो कोई यूटन्स नहीं होते ऊपर से कोई होता भी नहीं है कि आप किसी से पूछ भी लें इवन अगर किसी से पूछें भी तो उनको भी इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है तो एक टाइम तो ऐसा आया मुझे लगा हम लोग तो बिल्कुल नहीं पहुंचने वाले और बिल्कुल सनसेट भी हो जाएगा पता नहीं क्या होगा फिर तो अंधेरे में तो ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा बट एनी uh, बहुत मुश्किल से ही सही लेकिन हम लोग पहुंच गए थे सो so, ये शारजा में कहाँ लोकेटेड है इट वाज लोकेटेड इन मलिया मलिया रोड और मुंताहिर एरिया है या रोड है समथिंग लाइक डेट यू कैन टाइप इन गूगल मैप्स सो यू कैन गेट द लोकेशन सो बिल्कुल सनसेट के टाइम पर ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए सो दिस इज़ द प्लेस विच आई एम टॉकिंग अबाउट ये प्लेस है डेजर्ट पुलिस पार्क है के नाम से सो so, माशा से बहुत ज़बरदस्त है जितना भी टाइम लगा टू आवर्स लगे हमें यहाँ पर आने में लेकिन वर्थ प्लेस है लाजमी एक बार आना चाहिए और वैसे भी ये सिर्फ टेन डेज के लिए यहाँ पर ये सब एक्टिविटीज़ और ये जो फेस्टिवल इन्होंने लगाया हुआ है एक तो बहुत ज़बरदस्त है माशा से बहुत रश था मुझे तो पूरे रास्ते में ऐसे लग रहा था एक वी आर द ओनली वन वी आर गोइंग देर क्योंकि रास्ते में तो पूरे पूरे रोड्स ऐसे खाली थे तो देखिए माशा से कितना प्यारा है। ये इसका गेट व्यू एंट्रेंस इस तरह से बनाया गया है और ये एरिया है जहाँ पर ये सब फूड स्टॉल्स हैं इतने कलरफुल इतने प्यारे बोथ साइड पर यह फूड स्टॉल्स हैं बीच में बड़े ही खूबसूरत सा सिटिंग एरिया है माशा से आया एंड आया बोथ आर वेरी हैप्पी टू हेयर सो so, बस ये हम लोग ये एंट्रेंस के बाद डायरेक्ट ये वाली प्लेस आती है जहाँ पे ये सब फूड ऑप्शंस हैं तो बहुत ही खूबसूरत सी वाइब थी ये कोई दूसरी तरह का डेजर्ट एक होते हैं बिल्कुल डेजर्ट ही वहाँ कुछ भी नहीं होता लेकिन ये बहुत प्यारा सा ही था ज़बरदस्त और ये बर्ड प्लेस है यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे पिजन्स बर्ड्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त सी शॉप बनी हुई थी बर्थ की यहाँ पर भी सेटिंग एरिया काफ़ी अच्छा और ये टैडी बियर वग़ैरह बच्चों को एंटरटेन करने के लिए काफ़ी चीज़ें थी इधर माशाल्लाह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी थी और काफ़ी कुछ था करने के लिए और ये पूरा पार्क इसका वैसे तो नाम ही शाहजहा डर पार्क है तो पार्क तो ऑफ़कोर्स अंदर बच्चों के लिए राइड्स वगैरह थी सारा कुछ था तो बच्चे भी इंजॉय रहे थे माशा थे देर इंजॉय एंड आई एम टेकिंग सम शॉर्ट्स वीडियो सो एंड शुक्र है कि हम लोग सनसेट से पहले ही पहुंच गए वरना मुझे तो लग रहा था कि कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि डेजर्ट में तो डे टाइम में ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पर आई वॉज रॉन्ग यहाँ पर नाइट टाइम में भी काफ़ी अच्छी लाइट्स और सब एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त था तो माशा से दे आ, माशा से दे आर ऑल इंजॉइंग और मैंने भी कहा चलो थोड़े बहुत शॉर्ट्स बना लेते हैं सो आई वॉज ऑल्सो इन्जॉइंग दिस प्लेस बहुत प्यारा था और वेदर तो आजकल आप लोग को सबको ही पता है बहुत ही प्लेजेंट हुआ हुआ यू ए का ये घूमने के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि अभी हम लोग आउटडोर्स एक्टिविटीज़ एंड आउटडोर प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं अदरवाइज़ पूरी गर्मियों में तो इट वाज इम्पॉसिबल टू तो गो आउट दे आउटडोर प्लेसेस सो so, मैं भी बच्चों के साथ स्विंग इन्जॉय कर रही थी और बहुत अच्छा टाइम हमारे यहाँ पे गुजरा इवन वी डेंट स्पेंड सो मच टाइम बट जो भी टाइम था बहुत प्यारा और गुजरा और ये देखें तो प्यारी थी मैंने लेक सी बनाई हुई और दिस सो ब्यूटीफुल इवन द मोस्ट ब्यूटिफुल पॉइंट ऑफ दिस डेजर्ट बहुत प्यारी लगी थी मुझे और ये यहाँ पर भी एक छोटा सा इस तरह से एक एरिया बना हुआ है यहाँ पे आप लोग टेंट्स वगैरह भी लगा सकते हैं कैंपिंग कर सकते हैं और ये वाटरफॉल एल्यूजन टाइप की एक छोटी सी वाटरफॉल भी बनी हुई है प्यारी सी और ये लेक के ऊपर ही देखें कितनी प्यारी सी वॉक थ्रू एक छोटी सी ब्रिज सी इन्होंने बनाई है सो यहाँ पर भी बहुत अच्छी सी आप लोग वीडियोस वगैरह बना सकते हैं खड़े होकर वहाँ पर आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं बातें करें सकूँ उनसे वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू सो so, यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम गुजरा हम लोग का शॉर्ट्स वगैरह भी मैंने थोड़े बहुत बनाए और बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ से खड़े होकर ये पूरा वही ब्रिज है जिस पे मैं खड़ी हुई हूँ ये पूरा लेक के ऊपर ही ब्रिज है सो so, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ये प्लेस अच्छा है माशाल्लाह से तो जो भी हम लोग का ट्रैवलिंग टाइम लगा और ढूंढने में भी हमें काफ़ी टाइम लगा सो so, वो सब फवारी के बाद यहाँ पर पहुँच के माशा से बहुत अच्छा लगा तो ये और बहुत ही खुला और ज़बरदस्त बना हुआ था रश भी था काफ़ी लेकिन वो रश भी इतना पता नहीं चल रहा था क्योंकि बहुत बड़े एरिया पे बना हुआ था यहाँ पे देखें बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट शोज भी हो रहे थे और ये वही एरिया है जहाँ पर खाने के सारे फूड कोर्ट टाइप का एक वो बना हुआ है मतलब इतना खूबसूरत इतने कलरफुल स्टॉल्स थे इतने प्यारे लग रहे थे और सिटिंग एरिया भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत कम्फर्टेबल था सो तो हम लोग भी यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे होप कि आप लोग को भी ये प्लेस अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो सो आप लोग को भी ज़रूर जाकर ट्राई करना चाहिए सो so, बस अब हम लोग निकल गए थे वापसी के लिए होप यू एंजॉइंग माई व्लॉग एंड लाइक दिस प्लेस ऑल्सो सो इफ यू लाइक माई ब्लॉग डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉर गेट टू लाइक माई वीडियो सो आई कैच यू गैट इन माई नेक्स्ट ब्लॉग सो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए एंड आई ब्रिंग मोर काइंड ऑफ दिज मिनी ब्लॉग्स सो होप यू एन्जॉइंग दिस वीडियो से डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लेट मी नो कि मुझे किस तरह के वीडियोस और लाने चाहिए ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज टेक केयर बाय बाय